नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। क्या आप जानते हैं कि नेहरू ने कितना वक्त जेल में गुजारा? क्या आपको पता है कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले नेहरू ने इस देश के लिए क्या क्या किया? ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि आज बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि नेहरू की जिंदगी बहुत अय्याशी में बीती। जवाहरलाल नेहरू जब तक जिंदा थे बहुत बड़े जननेता थे, देश विदेश सब जगह नेहरू की बहुत धाक थी। भारत की आजादी के बाद दुनिया के कई देशों को शुभा था कि क्या आजाद होने के बाद भारत अपने दम पर जी लेगा, सर्वाइव कर लेगा। कईयों ने तो मान लिया था कि भारत एक मुल्क के तौर पर फेल हो जाएगा। ऐसे लोग भी जब नेहरू की ओर देखते तो कहते कि इस आदमी के रहते भारत की उम्मीदें, उसकी संभावनाएं नहीं मरेंगी। लेकिन नेहरू की मौत के बाद के दशकों में स्थितियां बदल गईं। लोग आज की कांग्रेस और उसके नेताओं को देखकर नेहरू को जज करते हैं। बहुत लोग जानते ही नहीं कि नेहरू ने देश के लिए क्या किया। फ्रीडम फाइटर नेहरू के बारे में बहुत कम जानकारी है लोगों को, इसीलिए इस वीडियो में हम बता रहे हैं नेहरू की जेल यात्राओं के बारे में। नेहरू बैरिस्टर थे, खूब अमीर परिवार था उनका, ऐसा परिवार जिन्हें खानदानी रईस कहा जाता है। गांधी के असर में नेहरू फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हुए। 1922 में पहली बार जेल जाने और 1945 में आखिरी बार रिहा होने के बीच वो कुल 9 बार जेल गए, सबसे कम 12 दिनों के लिए, सबसे ज्यादा 1041 दिनों के लिए। ऐसा नहीं कि जेल में बड़ी सुविधाएं मिलती हों। नेहरू की इन सजाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताते हैं हम। नेहरू पहली बार जेल गए 6 दिसंबर 1921 को, 3 मार्च 1922 को रिहा हुए। सजा का बैकग्राउंड यह है कि नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया। कांग्रेस ने प्रिंस के दौरे का बहिष्कार किया। ब्रिटिश हुकूमत कांग्रेस पर सख्ती दिखाने लगी। इसके नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। प्रिंस जब इलाहाबाद पहुंचा तो सड़कें गलियां एकदम वीरान पड़ी थीं। इलाहाबाद में थे नेहरू। वहां प्रिंस के बहिष्कार को कामयाब बनाने में उनका बड़ा हाथ था। 6 दिसंबर को पुलिस आनंद भवन पहुंची। ये नेहरू परिवार का घर था। जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। जवाहरलाल को 6 महीने जेल और 100 रुपया जुर्माना भरने की सजा मिली। नेहरू ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। उन्हें लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद कर दिया गया। 3 मार्च 1922 को 87 दिन जेल की सजा के बाद उन्हें रिहा किया गया। नेहरू रिहा होना नहीं चाहते थे। रिहाई के वक्त उन्होंने कहा था, मैं नहीं जानता कि मुझे रिहा क्यों किया जा रहा है। मेरे पिता को अस्थमा है, वो और मेरे सैकड़ों साथी अभी भी जेल में बंद हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि करो या मरो, आजाद भारत के लिए संघर्ष जारी रखो। जब तक आजादी नहीं मिल जाती, चैन से नहीं बैठना है। नेहरू दूसरी बार जेल गए 11 मई 1922 को। 31 जनवरी 1923 को उन्हें रिहा किया गया। इस बार कुल 266 दिन बिताए उन्होंने जेल में। पहले इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल में रखे गए, वहां से लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल शिफ्ट कर दिया गया। इस बार मिली सजा का बैकग्राउंड ये था कि कांग्रेस विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर रही थी। नेहरू भी जोर शोर से इस मुहिम में शामिल थे। 11 मई को वो अपने पिता से मिलने जेल गए। वहीं उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। 18 महीने सश्रम कारावास की सजा हुई। जेल भेजे जाते समय नेहरू ने कहा था, भारत को आजाद कराने की इस लड़ाई में शामिल होना सम्मान की बात है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में काम करना दोहरे गर्व की बात है। अपने प्यारे देश के लिए तकलीफ उठाने से अच्छा और भला क्या होगा। हम भारतीयों के लिए इससे ज्यादा भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि या तो अपने देश के लिए संघर्ष करते हुए हम मर जाएं, या फिर हमारा ये सपना, आजादी का सपना, पूरा हो जाए। नेहरू तीसरी बार जेल गए 22 सितंबर 1923 को। 4 अक्टूबर 1923 को रिहा भी कर दिए गए। ये सबसे छोटे वक्त की सजा थी उनकी, बस 12 दिन जेल में बिताना पड़ा। सजा का बैकग्राउंड ये था कि दो रियासतें थी, नाभा और पटियाला, दोनों में ठनी हुई थी। इसका फायदा उठाते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने नाभा के राजा को गद्दी से हटा दिया, रियासत चलाने के लिए अपना आदमी नियुक्त कर दिया। इससे सिख भड़क गए। सिखों के कई जत्थे नाभा पहुंचे। अंग्रेजों ने उन पर
बड़ा जुल्म किया। ये खबर मिलने पर नेहरू भी वहाँ के लिए रवाना हुए। पुलिस ने उनको नाभा से निकल जाने के लिए कहा, मगर नेहरू और उनके साथी नहीं माने, उन्हें जेल में डाल दिया गया। अपनी आत्मकथा में नेहरू ने इस सजा के बारे में बताते हुए लिखा है, मुझे, मेरे साथी एटी गिडवानी और के संथानम को बहुत बुरी स्थितियों में नाभा जेल के अंदर रखा गया था। जेल की कोठरी बेहद गंदी थी, छोटी सी कोठरी थी, नमी और सीलन से भरी। छत इतने नीचे थी कि हाथ से छू सकते थे। रात को हम फर्श पर सोते थे। सोते हुए जब कोई चूहा मेरे चेहरे पर से गुजरता तो अचकचाकर मेरी नींद खुल जाती थी। नेहरू चौथी बार जेल गए 14 अप्रैल 1930 को। 11 अक्टूबर 1930 को फिर रिहा भी कर दिए गए। इस दफा नेहरू कुल 181 दिनों तक इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद रहे। उन्हें जेल यूं भेजा गया कि फरवरी 1930 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की सहमति दे दी। गांधी अपने कुछ सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा पर रवाना हुए। नेहरू और उनके सहयोगी आंदोलन का विस्तार करने में जुटे थे। इस आंदोलन ने जिस तरीके से लोगों को एकजुट किया उससे अंग्रेज सरकार बहुत परेशान हो गई। उन्होंने सख्ती काफी बढ़ा दी। 14 अप्रैल 1930 को नेहरू रायपुर जा रहे थे। वहां हिंदी प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का तीसरा सेशन था। रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 महीने जेल की सजा मिली। लोगों के नाम संदेश देते हुए नेहरू बोले, हंसते रहिए, संघर्ष जारी रखिए। इलाहाबाद के अपने भाइयों और बहनों से मैं क्या कह सकता हूँ, जो प्यार उन्होंने मुझे दिया है उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इलाहाबाद के लोग देश को आज़ाद कराने के लिए इस संग्राम में पूरी तरह से हिस्सेदारी करेंगे, इलाहाबाद का सम्मान बरकरार रखेंगे। नेहरू पांचवीं बार जेल गए 19 अक्टूबर 1930 को। 26 जनवरी 1931 को रिहा होकर छूट गए। इस बार नेहरू 100 दिनों तक जेल में बंद रखे गए। गिरफ्तार यूं हुए कि वो किसानों को एकजुट कर रहे थे, अपील कर रहे थे कि किसान अंग्रेज सरकार को टैक्स न दें। ऐसे ही एक अभियान के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। कई मामले चले उन पर, राजद्रोह का मुकदमा भी चला। कुल 2 साल की सश्रम कैद हुई, जुर्माना अलग, जुर्माना नहीं चुकाया तो 5 महीने की एक्स्ट्रा सजा। इसी बार की सजा में उन्होंने इंदिरा गांधी यानी अपनी बेटी को वो मशहूर चिट्ठियां लिखनी शुरू की जो आगे चलकर ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नाम की किताब में पब्लिश हुई। अपने केस के ट्रायल के दौरान नेहरू ने कहा था, आजादी गुलामी और सच झूठ के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। हमें ये मालूम चल चुका है कि खून बहाकर और तकलीफें सहकर ही आज़ादी हासिल होगी। देश की आज़ादी के इस महान संघर्ष में सेवा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे देश के लोग बिना थके ये संघर्ष जारी रखेंगे, तब तक जब तक कि हमें कामयाबी नहीं मिल जाती, जब तक कि हमें अपने सपनों का भारत नहीं मिल जाता। आजाद भारत जिंदाबाद। नेहरू छठी बार जेल गए 26 दिसंबर 1931 को। फिर 30 अगस्त 1933 को उन्हें रिहाई मिली। इस बार कुल 614 दिन जेल में रहे थे नेहरू। उन्हें इस जेल से उस जेल में शिफ्ट किया जाता रहा। पहले नैनी सेंट्रल जेल, फिर बरेली डिस्ट्रिक्ट जेल, फिर देहरादून जेल, फिर वापस नैनी सेंट्रल जेल। अरेस्ट होने का बैकग्राउंड ये था कि नेहरू किसानों से अपील कर रहे थे। कह रहे थे कि किसान जमींदारों को लगान देना बंद कर दें, तब तक जब तक कि सरकार किसानों की परेशानियां दूर नहीं करती। ये अपील बड़ी हिट हुई। इसे दबाने के लिए यूनाइटेड प्रोविंस की सरकार अध्यादेश ले आई। कहा, किसान अगर लगान देने से इनकार करता है तो ये अपराध माना जाएगा। नेहरू को इलाहाबाद से बाहर ना निकलने और किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होने का आदेश दिया गया, मगर नेहरू नहीं माने। नतीजा, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 2 साल का सश्रम कारावास और 500 रुपया जुर्माना भरने की सजा मिली। जवाहरलाल 7वीं बार जेल गए 12 फरवरी 1934 को। 3 सितंबर 1935 को
फिर रिहा भी कर दिए गए। इस दफा कुल 558 दिन जेल में बिताए उन्होंने। पहले अलीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया उनको, फिर देहरादून जेल भेजे गए, फिर नैनी सेंट्रल जेल और फिर वहां से अल्मोड़ा जेल। 17 और 18 जनवरी 1934 को नेहरू कलकत्ता गए थे। वहां के अल्बर्ट हॉल में उन्होंने कुछ सभाएं की थी। यहीं दिए गए भाषणों की वजह से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। उन्हें इलाहाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर से उनके ऊपर राजद्रोह का केस चला। अपना पक्ष रखते हुए नेहरू ने कहा था, अगर राजद्रोह का मतलब भारत की आजादी है और अगर इसका मतलब है विदेशी गुलामी के सारे निशानों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना, तो बेशक मैंने राजद्रोह किया है। नेहरू को 2 साल जेल की सजा सुनाई गई। नेहरू को 8वीं बार 31 अक्टूबर 1940 को जेल भेजा गया। 3 दिसंबर 1941 को रिहा हुए वो। कुल 399 दिनों की जेल। क्या हुआ था कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। कांग्रेस ने भी अपनी एक वॉर कमेटी बनाई। नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आजाद और सरदार पटेल भी थे इसमें। इस कमेटी ने एक प्रस्ताव जारी किया, मांग रखी कि ब्रिटिश सरकार भारत को आजाद कर दे। नेहरू ने सत्याग्रह शुरू करने का ऐलान कर दिया। इसी सिलसिले में उन्होंने 6-7 अक्टूबर 1940 को गोरखपुर में कुछ भाषण दिए। इन्हीं भाषणों की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 4 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई गई। 9वीं बार जेल गए 9 अगस्त 1942 को। यहां से 15 जून 1945 को रिहा हुए। ये आखिरी बार था जब नेहरू जेल में डाले गए थे। ये उन्हें मिली सबसे लंबी सजा थी, कुल 1041 दिन। ये दौर था भारत छोड़ो आंदोलन का। शायद भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे ऐतिहासिक दौर था ये, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ रास्ता आगे चलकर आजादी तक पहुंचा। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा पूरे भारत में गूंजने लगा। नेहरू समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। नेहरू को सबसे पहले अहमदनगर किले की जेल में बंद रखा गया। वहां से बरेली सेंट्रल जेल भेजा गया। फिर वो अल्मोड़ा जेल भेजे गए। इसी सजा के दौरान नेहरू ने अपनी मशहूर किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। नेहरू की इन सारी सजाओं को जोड़ेंगे तो कुल 3,259 दिन होंगे, यानी 8 साल 11 महीने का वक्त, 9 साल ही कह लीजिए। नेहरू ने अपनी जिंदगी का इतना वक्त जेल में बिताया। देश को आजाद कराने में उनका योगदान बस इतना ही नहीं था, उनके योगदान की लिस्ट बहुत लंबी है। आजादी के बाद के सबसे शुरुआती, सबसे कच्चे सालों में नेहरू ने भारत का नेतृत्व किया। बहुत अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग नेहरू से जुड़े फैक्ट्स नहीं जानते। पिछले कुछ दशकों से नेहरू के खिलाफ लगातार झूठ फैलाया जा रहा है। नेहरू जैसे नेशनल हीरो सम्मान के पात्र हैं। उनकी नीतियों की आलोचना की जा सकती है, बल्कि की जानी चाहिए, पर आलोचना के नाम पर चरित्र हनन नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं कि असली और ऑथेंटिक इतिहास पढ़िए, फैक्ट्स जानिए, व्हाट्सएप छाप प्रोपेगेंडा के शिकार मत होइए। जाने से पहले हम नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को शुक्रिया कहना चाहते हैं। वहाँ हमें नेहरू से जुड़ी कई रेयर तस्वीरें मिली, कई सारे फैक्ट्स भी मिले। हमने इस वीडियो में उसका इस्तेमाल किया है। अब वक्त हो गया है आपको बाय कहने का। जाते जाते एक आखिरी बात, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारी खबरें और वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंचें, इसके लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।